हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जो रेलवे की आप लोग की वैकेंसी की इंतज़ार थी, वो नोटिफिकेशन आ गई है। और कब से चालू होगा इस वीडियो में आप आपको डिटेल्स बताएंगे। टोटल वैकेंसी जो है 1,03,769 पोस्ट पे डिक्लियर नोटिफिकेशन आई है। जो आप लोग को बताया जा रहा था 1 लाख, जो 1 लाख प्लस है, जो इतने टोटल वैकेंसी पर बताया जा रहा है। तो इसमें आपको, आप लोग भी जानते हैं, RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा ये वैकेंसी को क्लियर किया जाएगा। तो इसमें जितने भी जोन आते हैं, सभी जोन पे कितने पोस्ट हैं, कितने, पूरा डिटेल्स हम आप पे बात करेंगे। और इसमें भी EWS जो अभी आरक्षण की बात चल रही थी, 10% जनरल वाले के लिए जो पिछड़े वर्ग से हैं, उनके लिए भी अच्छा मौका दिया गया है इसमें। तो पूरा डिटेल्स बात करेंगे, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिस के तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुका हूँ। अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कितने आपके जो भी आए हैं, पूरा डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो देखिए डेट ऑफ पब्लिश जो किया गया है आपको, कितने तारीख को, 23 तारीख को बताया गया था इस वैकेंसी के बारे में। जब आपका ओपनिंग जो होगा, देखिए 12 तारीख को ओपनिंग होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 12/3/2019-17। और क्लोजिंग जो होगा 12/4/2019 को होगा लास्ट डेट है। ऑनलाइन पेमेंटिंग जो है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा आप 23 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। 23 तारीख तक कर सकते हैं। SBI चालान जो है 18/4 तक पेमेंट कर सकते हैं। और पोस्टल के द्वारा आप जो चालान है वो 18/4 के पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, जो आपका CBT 1 एग्ज़ाम जो टेंटेटिव बताया जा रहा है, जो सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में बताया जा रहा है। तो इसके हो सकता है, होप इसके बीच में एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं वैकेंसी की, कितने, देखिए इसमें आपका सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कास्ट रेलवे, उसका तो नॉर्थ रेलवे, नॉर्थ फर्दर जितना भी जोन है आपका, वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे। तो इसमें देख सकते हैं कि जनरल की पोस्ट कितनी कितनी है। सेंट्रल रेलवे में आप लोग देख सकते हैं कि जनरल में, जनरल का बात करें 3,597 वैकेंसी है। ST की बात करें 1,398, ST की बात करें 759, OBC 2,656, और EWS जिनके 10% आरक्षण की बात चल रही थी जनरल कैंडिडेट वाले के लिए जो पिछड़े वर्ग से हैं, उसके 935 है। और PWD के कैंडिडेट के लिए भी है 449। तो टोटल आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं। तो मैं वैकेंसी पे भी आपको बता दूंगा कि कोच जो सेप रहेगा उस पर भी वीडियो डिटेल्स बनाएंगे। तो अभी जैसे ही इसका ओपनिंग हो जाता है, 1 से 2 दिन में हम आपको फिर प्रोवाइड कर देंगे इस पर। तो आप लोग इसको जोन पर देख लीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए EWS PWD कैंडिडेट और एक्स मैन के लिए, सर्विस मैन है उनके लिए, देखिए उनके लिए भी वैकेंसी दिया गया है। उनके लिए 56,504 वैकेंसी उनके लिए भी इधर अलग से इनका दिया गया है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं आगे इसमें। इसमें देखिए आपका नोटिफिकेशन में फाइल एंड रजिस्ट्रेशन आप लोग डेट देख लीजिए। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आपका बता दें स्टेज ऑफ सेल होगा, एक ही CBT 1 होगा, और सेल भी अपडेट फिजिकल, और उसका PT के लिए होगा। जो आपका अभी ग्रुप डी चल रहा है सेम प्रोसेस वही है। और नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और कॉल लेटर आपको, देखिए कॉल लेटर कैंडिडेट बिल भी डाउनलोड, CT एंड एग्जाम डेट, कॉल लेटर ऑफ द टेंटेटिव ट्रेवलिंग, जो पास आपका होता है
फर्दर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया होगी और निगेटिव मार्किंग 1/3 है जो आपका ग्रुप डी में पहले से अभी आई थी उसमें। तो अब चलिए बात करते हैं आगे। आप इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, सेम प्रोसेस है जो अभी प्रक्रिया चल रही है, पूरा सेम प्रक्रिया है। जो भी आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा उसके बाद अगर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, जो भी आपका आईटीआई सर्टिफिकेट है मतलब 10th का, उसके बेसिस पे ही फॉर्म भरिएगा। कोई चेंजिंग मत कीजिएगा फॉर्म भरने में। मैं इस पर डिटेल्स बात आपको बता दूँ, अभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन बता दूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग। देखिए अब उसके बाद इसमें हम लोग चलते हैं आगे। पीडब्ल्यू क्रेडिट ये सब तो आप लोग जनरल है तो इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका देखिए क्वालिफिकेशन है इसमें 10th और आईटीआई, अगर 10th भी किए हैं वो भी भर सकते हैं, अगर आईटीआई है वो भी भर सकते हैं। इसमें कोई फिक्स सीट नहीं किया गया है कि 10th वाले के लिए इसमें 50% है या 70% है, 10th आईटीआई वाले के लिए इतने परसेंट है, कोई नहीं। दोनों पूरे जो पोस्ट है 1,00,000 प्लस जो पोस्ट है उस पर 10th प्लस आईटीआई पूरे सीट पर फाइट कर सकते हैं, तो आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका फ़ी की बात करें तो फ़ी की जनरल की कैंडिडेट जो अभी थी 500 रुपये और 200 रुपये, जो आपका रिफंडेबल होगा 400 रुपये और 10 रुपये जो बैंक चार्ज काट के 390 रुपये जनरल वाले के लिए आते हैं, और 250 रुपये जो ओबीसी के हैं जो 240 रुपये रिफंडेबल आते हैं। तो इस पे ही आपका होगा, जो ऑनलाइन आप लोग चलान या बैंक द्वारा पेमेंट करेंगे तो बैंक का डिटेल्स मांगेगा तो उसी पर रिफंड आएगा। तो इस पे हैं। अब बात करते हैं हम लोग चलिए सिलेबस की। सिलेबस क्या है इसमें, सबसे बड़ी बात आ रही थी कि सिलेबस इसमें नहीं है। और उसके बाद देखिए इसमें पीटी की बात करें तो पीटी में भी आप लोग का, तो पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लें। देखिए हाँ सिलेबस आ गया, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो 100 क्वेश्चन होगा, 90 मिनट ड्यूरेशन मिलेगी। 25 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 25 नंबर मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 नंबर एंड करेंट अफेयर जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर 20 नंबर की आएगी इसमें। तो देख लिए यहाँ पे 20 नंबर के करेंट अफेयर है और इसमें जनरल अवेयरनेस भी आएगी, इधर साइंस है 25 नंबर का, जो आपका अभी वाले सिलेबस सेम है सिलेबस। तो जो भी आपका प्रक्रिया अभी चल रही है तो एकदम सेम प्रक्रिया है, कुछ नहीं इसमें चेंजिंग ज़्यादा है। और आपका जो देखिए यहाँ पे पीटी के लिए बात करें 35 kg 100 मीटर 2 मिनट में, और उसके बाद 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकेंड में, जो अभी फिजिकल की प्रक्रिया है ग्रुप डी के अगर आप लोग अप्लाई किए हैं अगर जानते हो तो सेम प्रक्रिया वही है, कोई चेंजिंग ज़्यादा नहीं की गई है इसमें। और नॉर्मलाइजेशन भी इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई जाएगा जो अभी बेसिस से नॉर्मलाइजेशन किया गया है। तो हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो आप लोगों को देखिए आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर जाके उसके बाद जो भी ऑप्शन मांगेगा स्टेप बाय स्टेप आपको सेलेक्ट करते जाना है, और जो भी डिटेल्स मांगेंगे उसको आपको एकदम एक्यूरेट सही से भरिएगा, कोई जल्दीबाजी मत कीजिएगा, उसको 2 बार 3 बार रीचेकिंग करके फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट करके पूछ लीजिए। तो वही सेम प्रक्रिया है, तो बहुत अच्छी दोस्तों मौका है, तो आप लोग इसको ज़रूर जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। और देख सकते हैं कि इतने वैकेंसी है आपका वेस्टर्न रेल, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, उसका साउथ रेलवे, नॉर्थ रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे और सेंट्रल रेलवे, टोटल में देख सकते हैं वैकेंसी इसने इतनी इतनी है। तो चलिए अगर कोई भी डाउट है तो डाउट कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर कोई भी इंक्वायरी है तो कमेंट करके आइए, ईमेल भी कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।